हेलो स्टूडेंट्स, बिंदु ए से बी की ओर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या दिया गया है, गिवन गिवन क्या है। ठीक है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन इज इक्वल टू 10 की पावर 9। ठीक है, अब टी समय 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। ठीक है, अब फार्मूला कौन सा यूज होगा? सबसे पहले हमें क्या प्राप्त करना है, धारा I बराबर। ठीक है, अब देखिए सूत्र क्या होता है, I ऐसा सूत्र जिसमें I टी और एन आए, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी और क्यू बराबर एन ही होता है, तो आई बराबर एन ई अपॉन टी। एन कितना है, 10 की पावर 9। ई कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अपॉन 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, अब देखते हैं 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाके प्लस की 3 हो जाएगी, तो 10 की पावर 9 उन्हें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर प्लस की 3। अब देखिए 9 और 3 कितने हो गए, 12। 10 की पावर प्लस की 12 माइनस की 19, तो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 7। ठीक है, ये आएगा एम्पियर। ठीक है, अब देखिए पांचवा सवाल, मैग्नेट के एक तार में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर एक मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए इसका हल, ठीक है, इसमें देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है, गिवन क्या क्या है। 0.5 एम्पियर की धारा, तो I बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब और क्या दिया गया, तार में अनुप्रस्थ परिच्छेद एक मिनट, टी बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब पूछा क्या गया है, संख्या एन बराबर पूछा गया, तो एन बराबर होता है क्यू अपॉन ई या आई टी अपॉन ई। ठीक है, आई कितना है, 0.5, टी कितना है, 60, और 60 इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, और ये देखिए ये इस तरह से पॉइंट वाइंट हट जाएगा। ठीक है, अब 60 × 300 बटे 16 और 10 की पावर प्लस का 19 ऊपर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 16 से इससे 300 को हम भाग करेंगे। ठीक है, तो हमारा आएगा 18.75 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।